हेलो दोस्तों, मैं मंजीत जीत न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आज हम मौजूद हैं धर्म की नगरी कुरुक्षेत्र के अंदर। और आज ये जो जहां सड़कों का हाल है कुरुक्षेत्र की सड़कों का, वो हम आपको दिखाएंगे। अंत तक वीडियो के अंदर बने रहें और सब करके इस वीडियो को दबा करके शेयर करें ताकि जो नेता चुनाव से पहले अपनी जो बातें वो करते थे वो उनको कहीं ना कहीं याद आ सकें और उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो साथियों, हम आपको बता दें कि यह वो सड़क है जो तीन स्टेटों को आपस में जोड़ती है और ऐसी सड़कों को जो राष्ट्रीय मार्ग है उसका दर्जा मिलता है, तो वो सड़क को दर्जा यहाँ का मिला हुआ है। लेकिन सड़क के हालात को देख करके ऐसा नहीं लगता। और यह सड़क जो क्षेत्र के बीच में से होकर के गुजरती है, यह इसका दुर्भाग्य भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब MP के चुनाव थे उस समय भी सभी पार्टियों के जो नेता थे उनसे हम जो सवाल पूछते थे कि आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी, तो उनका एक ही कहना था कि हम इस क्षेत्र शहर को एक पर्यटक स्थल बनाएंगे और इसको बढ़ावा देंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर शहर बनाएंगे ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आ सकें। और हालात यहाँ पर किस प्रकार के बने हुए हैं ये आप देख सकते हो। चुनाव के बाद में भाजपा का सांसद यहाँ से विजयी होके आया है और आया था जो पहले भाजपा का सुभाष कुमार जी थे और आज भी वो दोबारा से चुन करके आए हैं। जनता के बीच में एक आस जागी थी कि चुनाव आ गए हैं और चुनाव के दौरान शायद इन सड़कों की हालात कुछ बेहतर हो पाए पहले से, लेकिन सुभाष सुधा जी ने इस सड़क की सुध नहीं ली, जिसके चलते ये सड़कों का ऐसा हाल हो गया है कि जैसे हमें लग रहा है कि किसी सरोवर के किनारे पर हम चल रहे हैं। यह एक तालाब नहीं है, यह सड़क है। सड़क भी इसको नहीं बोल सकते। जो हालात आप देख सकते हो गाड़ियों को जो फुटपाथ पर चलाने पर मजबूर हुए हैं ड्राइवर, यह सड़कें 5 मिनट से की बारिश होती है वो है भी यहाँ के लिए एक बहुत स्थिति को बहुत ख़राब कर देती है। 5 मिनट की बारिश भी यह नहीं करके और सकती। और यह हालात आप देख सकते हो यहाँ का जो, तो उसके बाद में चुनाव में भी यह इसकी सुध नहीं ली गई, तो उसके बाद में यहाँ के जो स्थानीय लोग थे और आने जाने वाले लोग थे उनके मन में एक आस जागी। शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कंट्री का महोत्सव मनाया जा रहा है जिसके पब्लिक सिटी सरकार ने बहुत जोरों से ली थी और जो गीता जयंती का महोत्सव है उसको भी बहुत जोर लगाया था, उस चीज को देखते हुए लोगों के बीच में कहीं ना कहीं यह आस जागी थी कि शायद इस सड़क का निर्माण हो सके गीता जयंती के मद्देनजर रखते हुए। लेकिन वह गीता जयंती भी निकल गई और ये सड़क, ये देख सकते हो आप पानी इस प्रकार की सड़कों के बीच में भरा हुआ है। और हम आपको बता दें अभी कुछ दिनों बाद में सूर्य ग्रहण का मेला जो कुरुक्षेत्र का बहुत जोरों से भरता है, बहुत लोग यहाँ पर आते हैं देश के कोने कोने से, वह भी अब आने वाला है। और यह हालात आप देख सकते हो, देवीलाल चौक है। आप जो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, आप हालात देखो यहाँ के किस प्रकार के बने हुए हैं।